द ग्रेट इंडियन कपिल शो एक बार फिर विवादों में घिर गया है। एक्ट्रेस रोजलिन खान ने नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें उन्होंने सिद्धू और शो की टीम से सार्वजनिक माफी की मांग की है। उनका आरोप है कि शो में कैंसर से संबंधित गलत जानकारी शेयर की गई थी, जो ऑडियंस को गुमराह कर सकती है। पूरा मामला क्या है और रोजलिन खान ने भेजे गए नोटिस में कपिल शर्मा और नवजोत सिंह सिद्धू पर क्या आरोप लगाए हैं, आइए विस्तार से बताते हैं। निजी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बारे में रोजलिन के वकील अली कासिफ खान देशमुख ने बताया, नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में दावा किया था कि उनकी पत्नी ने कैंसर से जंग के दौरान नीम के पत्तों को पानी में उबाल कर पिया, उन्होंने हल्दी का इस्तेमाल किया और कैंसर को हराया। लेकिन ये दावा न सिर्फ मेडिकल साइंस के खिलाफ है बल्कि इसका कोई आधार भी नहीं है। टाटा मेमोरियल समेत कई बड़े मेडिकल संस्थानों और डॉक्टरों ने नवजोत सिद्धू के दावे को झूठा बताया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैंसर के इलाज पर और क्या क्या दावा किया है वो भी सुनिए। I will talk about how she came back, the diet that we gave her. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद ब खुद मरने लग जाते। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद नींबू पानी, वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये स्टेज फोर से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, इसे ग्रीन ब्लड कहते हैं, द डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की कड़वे और खट्टे तत्व बेरीज, सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी अदरक ये सवेरे देना, चाय छुड़वाई तो चाय जो इंडियन स्पाइसेस सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। व्हेन द ब्रिटिशर्स केम, दे केम बिकॉज ऑफ दी स्पाइसेस, राइट। कासिफ खान देशमुख ने आगे कहा, रोजलिन खान एक कैंसर सर्वाइवर है और उन्हें लगता है कि इस तरह के झूठे दावे और गलत जानकारी लोगों को गुमराह कर सकते हैं। इस तरह के झूठे दावों से लोग मेडिकल साइंस पर भरोसा नहीं करेंगे और इस तरह से उपायों पर विश्वास करने लगेंगे जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। रोजलिन खान के वकील से जब पूछा गया कि इस मामले में कपिल शर्मा और नेटफ्लिक्स को क्यों नोटिस भेजा गया है, तो उन्होंने बताया, कपिल के शो में भी नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐसा दावा किया था, इसे नेटफ्लिक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम भी किया था और करोड़ों लोगों ने इसे देखा भी था। अब एक्ट्रेस रोजलिन खान ने कपिल शर्मा और नवजोत सिद्धू के सामने 3 मांगे रखी हैं। इन मांगों को पूरा करने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। एक्ट्रेस के वकील के मुताबिक अगर ये मांगे पूरी नहीं की गई तो मामला कोर्ट तक जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।